वेलकम आवर चैनल फ्रेंड्स। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम एंड साथ में आपको मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा यूपीपीसीएस का, और डेली बेसिस पे आपको टारगेट भी मिलेंगे टेलीग्राम प्लस यूट्यूब पर क्लासेस भी। चलिए तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। सबसे पहले आपको मिलेगा सामान्य अध्ययन का पेपर, और सामान्य अध्ययन के पेपर में आपको पढ़ने होंगे ये 7 टॉपिक। अब 7 टॉपिक क्या क्या है एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। फिर सेकंड में आपको देखने को मिलेगा भारत एवं इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें जो विशेष जिस पर जोर पड़ा है वो क्या है, आर्थिक एवं राजनैतिक और सामाजिक पर आपको ध्यान देना है। प्लस आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से जो स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रकृति का विशेष राष्ट्रवाद का विधेयता, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। ओके दोस्तों, तो अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक कह रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल में आपको भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विशेष विश्व भूगोल भी आपको देखने को मिलेगा, विश्व वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, आगे और देखिए, आप विषय की केवल जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ये सब आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम चौथा टॉपिक देखेंगे यहाँ पर भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारी मुद्दे। अब इसमें हम फिर से एक बार देखते हैं। देखो, भारत राज व्यवस्था देखना होगा आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती तथा जो सामुदायिक विकास सहित जो राजनीतिक प्रणाली ज्ञान तथा भारत की जो आर्थिक नीति है, व्यापक लक्षण जो सब भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए आगे आपको देखना होगा पांचवा टॉपिक, और पांचवा टॉपिक है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी अंतर्विष्ट, जनसंख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिक्षेप में किया जाएगा। तो आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इन सब का क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए, अब आपको दिख रहा है छठा टॉपिक, आपको दिख रहा है जस्ट भी थोड़ा सा। देखो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों को से विषय की जानकारी, सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, ठीक है, विषय की सामान्य जानकारी पूछी जाएगी पर्यावरण से रिलेटेड। चलिए आगे और देखते हैं, 7 टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे दैनिक अनुभवों या तथा प्रेक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी मतलब सुचित जो आप पढ़ लिख रहे हो उससे अपेक्षा की जा सके, ठीक है। तो आपको और भी अच्छे से डिटेल में बताएंगे, क्लास भी बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के अब आपको देखना होगा जो दूसरा पेपर होता है सी सेट का पेपर। ये आपको बहुत कन्फ्यूजिंग वाला लग रहा होगा सब, पर ये क्लास में जो बता रहे हैं और भी क्लासे बनेंगे तो आपको ये सी सेट का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, इसमें आपको विस्तृतीकरण कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, अंतर्वैयक्तिक क्षमता मिलेगा, तार्किक विशेषण योग्यता मिलेगा, निर्णय क्षमता में समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक जो भी अंकगणित है, बीजगणित, जो रेखा गणित है, ये सब, सामान्य अंग्रेजी जो कि आपको हाई स्कूल स्तर की मिलेगी, सामान्य हिंदी भी हाई स्कूल स्तर की मिलेगी। तो अब आप बेधड़क को भी छोड़ो इस प्रॉब्लम को और तैयारी करने लग जाओ, क्योंकि अभी आपके पास 3 मंथ है, वो भी डिस्कस करेंगे 3 मंथ में क्या क्या पढ़ना होगा। पहले अब हम लोग देखते हैं जो प्रारंभिक गणित तो आपको दिख रहा है, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लेते चले, अंकगणित का स्क्रीन शॉट ले लें, अब आप बीजगणित का ले लें, फिर रेखा गणित, फिर सांख्यिकी और इंग्लिश का भी आप ले सकते हैं इतना सारा, और ये हिंदी का आ गया, आप स्क्रीन शॉट लें इसका। चलिए अब आते हैं मुख्य परीक्षा पर, वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। अब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा में। सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी का पेपर मिलेगा। सामान्य हिंदी में आपको समझना होगा दिए गए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द वर्तनी में वाक्य शुद्धि और लोकत्य मुहावरे आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा पेपर आपका होगा निबंध, जो कि आपको हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू में देखने को मिलेगा। आपको कोई एक
एक भाषा लेनी है और फिर उसको लिखना, तीन खंड में होगा ये। अब इसको एक बार समझते ढंग से देखिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा, क्योंकि छोटा करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर थे तो हम कह रहे थे प्रत्येक खंड के विषय पर 700 शब्द लिखना होगा, जैसे कि खंड एक, खंड खा, ये सब आपको देखने को मिले, तीन खंड देखने को मिल रहे हैं, का खा गा, तो आपको इसमें से एक लिखना होगा, एक एक और एक, तो आपको हर एक के लिए 700 वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको, और आपकी भाषा आपकी हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू, एक भाषा आप चूज कर लेना, ठीक है उसी में लिखना। अब आता है आपका दूसरा, अब आता है इधर, आप फिर से देखिए। अब यहाँ पर आपको जस्ट भी थोड़ा सा आपको सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम में आपको सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला मिलेगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल में आधुनिक काल तक के कला रूप साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1900 ये क्या लिखा है 1950 होगा तक महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और फिर साथ में आपको तीसरा टॉपिक मिलेगा स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें जो योगदान दिए थे महत्वपूर्ण लोग, उन्होंने उनके बारे में पूछा जाएगा। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ, वो भी हम यहाँ पर अपनी जो टॉपर्स द्वारा सजेस्ट बुक हैं, जो स्टैंडर्ड बुक वहाँ से कराएंगे, ठीक है। और चौथा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, ठीक है। फिर पांचवा विश्व के इतिहास में, ये सब आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। फिर छठवा आपको भारतीय समाज की संस्कृति और मुख्य विशेषता देखने को मिलेगी। तो सातवां टॉपिक फिर आपको देखने को मिलेगा महिला समाज संगठन की भूमिका, ये सब आपको देगा। फिर आठवां आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये फिर देखने को मिलेगा। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सब देखने को मिलेगा। दसवें में विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी है। तो आपको अब इतना समझ में आ रहा है, जो आपका सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है इसमें आपको इतिहास भी देखने को मिलेगा, साथ में आपको भूगोल भी देखने मिलेगा। अब आप धीरे 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 आप नीचे क्रॉस करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा जो मतलब एक ही पेपर है सामान्य अध्ययन का पेपर, देखिए आप सामान्य का पेपर जिसमें आपको इतिहास भी और भूगोल भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम भूगोल की जो बात कर रहे थे, तो भूगोल कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 11वां टॉपिक, जो 10वां टॉपिक है दोस्तों, 10वां टॉपिक है विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, जल, मिट्टी, वन, ये सब देखने को मिला। फिर 11वें टॉपिक में आपको भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, समुद्री धाराएं, पवन एवं विमिसरताएं, और भारत के सामुद्रिक संसाधन, उनकी सब जो संभाव्यता है, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, और फिर सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो सामान्य अध्ययन जो जीएस का पहला पेपर है मुख्य परीक्षा में, वहाँ पर आपको इतिहास और भूगोल देखने को मिलेगा। तो एक एक सामान्य अध्ययन का पेपर हम कराएंगे, ठीक है, इसी चैनल बिल्कुल फ्री में। आरओ का ज्वाइन करना तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, सक्सेस चेक आईडी है, और यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब दूसरा पेपर देखते हैं, सामान्य अध्ययन दो पेपर, सामान्य अध्ययन टू। अब सामान्य अध्ययन टू है तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसमें जो सामान्य अध्ययन टू है इसमें आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी, संविधान देखने को मिलेगा दोस्तों, संविधान। दूसरे पेपर में भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, ये सब आपको देखने को मिलेगा, उच्चतम न्यायालय देखने को मिलेगा। फिर दूसरा टॉपिक जो आपका है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विशेष चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त स्तर और इसकी चुनौतियाँ, ये सब देखने को मिलेगा। तीसरा में केंद्र राज्य वित्तीय जो संबंध है वो भी देखने को मिलेगा। फिर चौथे में आपको शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पांचवा टॉपिक आपको भारतीय संवैधानिक योजना को देखने को मिलेगा ये आपको, ठीक है। तो अब हम लोग फिर क्रॉस होते हुए देखते हैं, एक ही टॉपिक आएगा पॉलिटिक्स का, क्या और भी इसमें टॉपिक आएंगे वो हम लोग देखते चलते। तो आपको देख रहे हैं आप, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते चलें या फिर आप लिख लें। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए कि जो आपको जो पॉलिटी है वो आपका यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था और मंच, उनकी अधिवेश, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, तो इसमें समसामयिक घटना भी दोस्तों आ जाएंगी। जो आपका दूसरा सामान्य अध्ययन का पेपर, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आएगा। अभी एक मिनट, अभी हम लोग देख रहे हैं जस्ट भी थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि पूरा पढ़ने में आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बस आपको मेन मेन टॉपिक बताना है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर आपको ये वाला जो पेपर है ज़्यादातर इसमें आप
इसमें पूरा का पूरा मतलब 99% आपको पॉलिटी और थोड़ी सी झलक आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी हम करा देंगे पूरा पेपर, पूरे 2-3 वीडियो में आपका ये पूरा पेपर होगा, देखना आप। फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा पेपर। अब तीसरे पेपर में क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन नीति वगैरह तो आप समझ रहे हो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और फिर गरीबी मुद्दे, बेरोजगारी, ये सब सरकार के बजट आएंगे इसमें। 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक आप इस समझ सकते हो, प्रमुख फसलें विभिन्न प्रकार, सिंचाई विधि और सिंचाई और प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडार, ढुलाई, विपणन, किसानों के साथ है तो तकनीक, ये सब आपको देखने को मिला। अभी जो मैंने बताया था पहले ऊपर पॉलिटी वाले में कि वहाँ पर करंट अफेयर्स भी आया था, उसी प्रकार से इसमें भी करंट अफेयर्स आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कोर्स करते हुए जाते हैं और देखते हैं। आखिर देखिए, यहाँ पर जरूर आता है, क्वेश्चन बनकर आता है करंट अफेयर्स से। आपको देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण भी शामिल है, थोड़ा सा पर्यावरण भी शामिल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी शामिल है तीसरे वाले पेपर में, आपको दिख रहा है अच्छे से, देख सकते हो आप लोग। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार भी आएगा दोस्तों, फिर वैश्वीकरण, ये सब आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पत्र पर। देखिए, सामान्य अध्ययन चौथा पेपर, इसमें आपको नीति नीति शास्त्र, ये नीति शास्त्र का पेपर है एकदम। ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस के नोट्स के द्वारा, किताबों के द्वारा, कोई भी आपको समझ नहीं कौन सी किताब क्या क्या, पर हम आपको किताब के जरिए, 2-3 किताब के जरिए, नोट्स के जरिए आपको ये वाला पेपर कराएंगे, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र चौथा नीति शास्त्र रिलेटेड। आप देख सकते हैं इसका सिलेबस, देखिए आप, 8 टॉपिक में ये विभक्त है। तो हम पहला देख लेते हैं, बता ही देते हैं आपको। देखो, नीति शास्त्र था मानवीय अंत संबंध, फिर अभिव्यक्ति आएगी, समयगात्मक बुद्धि वगैरह, फिर लोक प्रशासन में लोक सिविल जो सेवा है उसका मूल्य नीति शास्त्र वगैरह, ये सब आपको देखने को मिला। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिक का योगदान। तो आप समझ चुके हैं कि चौथा पेपर है वो सामान्य अध्ययन का, वो भी नीति शास्त्र से रिलेटेड 8 टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है। चलिए, अब देखते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5। पांचवा प्रश्न पत्र है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि चेंज हो गया। अब इसमें आपको ऑप्शन हटा दिया, आपको यूपी का पढ़ना पड़ेगा। अब यूपी का पहला पढ़ना पड़ेगा, पांचवा प्रश्न पत्र है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहे हैं जस्ट फिर थोड़ा सा, आपको 21 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, 21 टॉपिक आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो अब हम एक एक करके देखते हैं जस्ट वे थोड़ा सा। देखिए, पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर देखने होंगे, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, इसके महत्व और ये सब संग्रहालय वगैरह देखने होंगे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान देखना होगा, उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सैनिक व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है उनका, वो सब देखना होगा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, ये सब आपको, मेले वगैरह आपको देखना होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो राज व्यवस्था है, शासन प्रणाली, वो देखनी होगी। आपको देख रहा है क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट लें क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो और फिर क्लास भी बनाने, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चले और पता चल जाएगा आपको क्या क्या आ रहा है। तो 21 टॉपिक बहुत बड़ा सिलेबस हो गया इसका। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों तभी आपका, और लेके चलना पड़ेगा, प्री के साथ लेके चलना पड़ेगा इसको, तभी हो पाएगा। चलिए, अब देखते हैं सामान्य अध्ययन 6 पेपर, इसमें भी आपको आर्थिक प्रदेश दिख रहा है, ये सब उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा। देखिए, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे प्रभाव देख सकते हो कितना बड़ा, उसमें 21 टॉपिक थे, इसमें देखते हैं कितने टॉपिक है, इसमें 23 टॉपिक हैं दोस्तों, इसमें 23 टॉपिक ठीक है। तो आपको देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, 1 मिनट, यहाँ से पहले से मैं करती हूँ और आपको देखिए, आप अब स्क्रीन शॉट लो, 11 तक हो गया आपका, और ये लीजिए, ये हो गया आपका 12 तक हो गया, और ये लीजिए आपका स्क्रीन शॉट लिख गया होगा, तो अब आपको पता चल गया कैसे क्या। अब इसका एक एक टॉपिक करके आपको क्लासेस लेनी है, एक एक टॉपिक करके आपको नोट्स बनाने और जल्द से पूरा करना है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो।